मैं इस फील्ड का काफी मजा हुआ खिलाड़ी हूँ, तो हल्के में लेने की मत सोचना कि इसके 1-2-3 सब्सक्राइबर है मिस्टर बूस्टर चैनल पे, तो ये कोई ऐसा ही नया बंदा है। मैं बहुत साल से यूट्यूब पर हूँ, तुम मेरे बारे में और मेरे चैनल के बारे में इतना ही जानो तो अच्छा है। बात करते हैं सीधे टॉपिक की, गूगल एडसेंस से कैसे इनकम कर सकते हैं और कैसे हम लाखों में रुपए कमाते हैं। उससे पहले एक वीडियो देखो। अभी उड़ो मत इतना, ठीक। ये जो काम मैंने तुम लोगों को दिखाया है ना, ये मेरा प्रोफेशनल वर्क है और इस वर्क को मैं करता हूँ काफी मेहनत के साथ। ये ऐसा नहीं कि बैठे बिठाए किसी का प्रसाद मिल गया और हमने ले लिया। सबसे पहले तुम्हें दो चीज के बारे में पता होना चाहिए, नंबर एक कि गूगल एड्स क्या है और नंबर दो कि गूगल एडसन क्या है, ठीक है। गूगल एड्स होता है जहां पर पैसा लगाया जाता है, गूगल एड्स होता है जहां से पैसा कमाया जाता है, ठीक है। समझ में आया? दोबारा बताऊं, कंपनी गूगल एड्स पे पैसा लगाती है, गूगल एडसेंस से कमाती है। समझ में आ गया? नहीं आया? गूगल एडसेंस पे लोग पैसा लगाते हैं और गूगल एडसेंस से हम लोग पैसा कमाते हैं। अब समझ में आ गया होगा। तो वो सारे लोग अर्निंग करते हैं और तुम लोगों को यूट्यूब पर वीडियो दिखाते हैं, तरह तरह की वीडियो और पता नहीं क्या क्या तुम्हें बताते हैं। मैं जब भी वीडियो देखता हूँ यूट्यूब पर सर्च करके, तो मेरी हंसी छूटती है कि यार तुम लोगों को सिखा क्या जा रहा है, बताया क्या जा रहा है, तुम्हें कहीं और ही लेके जाया जा रहा है, अपने व्यूज को बढ़ाया जा रहा है। केवल इतना सीधा सा फंडा तुम्हें कभी कोई क्लियरली नहीं बताता है। गूगल एडसेंस पे तुम्हें अगर इनकम करनी है तो उसके लिए तुम्हें गूगल एडसेंस के बारे में सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तुम लोग अगर फ्री वाले बंदे हो ना भाई, तो भाई तुम नहीं कमा सकते, चुल्लू भर पानी में डूब जाओ, ठीक है। तुम्हें होस्टिंग परचेस करनी ही होगी, अपने ऊपर थोड़ा इन्वेस्ट करना ही होगा। होस्टिंग परचेस करो, चाहे गोडैडी पे जाओ चाहे होस्टिंगर पे जाओ, तुम्हें होस्टिंग परचेस करना पड़ेगा। इन दोनों में से तुम किसी भी एक वेबसाइट पर जाकर एक साल के लिए अपनी होस्टिंग परचेस कर सकते हो, जो कि तुम्हें 3,000 रुपये के आसपास बैठ जाता है। तुम कहते हो कि भाई मैं स्टूडेंट हूँ। अरे स्टूडेंट हो ठीक है, समझ में आता है, पैसा भी तुम्हें ही कमाना है तो पैसा लगाना भी तुम्हें ही पड़ेगा। बड़ी बड़ी कंपनियाँ ऐसी नहीं बड़ी बन जाती, वो पैसा लगाती हैं तब वो पैसा कमाती हैं। मैं ऐसे ही पोजीशन पे नहीं पहुँचा, मैंने मेहनत की है, मैंने पैसा लगाया है और मैंने पढ़ाई की है और वो सारी चीज़ों के साथ साथ मैंने सीखा है और इन्वेस्ट करते करते मैंने ये सब कुछ मैनेज किया है। ये मुझे कोई खैरात में नहीं मिला है कि किसी ने, मेरे बाबा या बड़दादा ने मुझे पकड़ा दिया, ले भाई संभाल इसको, ठीक है आज से तेरी ये जिम्मेदारी है। नहीं, तो अगर तुम ब्लॉगर के बारे में सोच रहे हो तो ब्लॉगर का दिमाग से निकाल दो, ठीक। ब्लॉगर आता है सबसे लास्ट में, इस बात को ध्यान में रखो। तुम्हें गोडैडी या होस्टिंगर पे से अपनी डोमेन या होस्टिंग परचेस करना पड़ेगा। एक साल के लिए करो, कोई ज़्यादा बड़ा प्लान लेने की ज़रूरत नहीं है, एक साल के लिए करो, क्योंकि इसी एक साल में हमें वेबसाइट बना लेना है, अपनी वेबसाइट को गूगल पे रैंक कर लेना है और अपनी वेबसाइट पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच कर लेना है। वो कैसे कर पाएंगे? उसके लिए हमारे पास होस्टिंग या डोमेन नेम होना चाहिए। आप गोडैडी पे जाके अपने लिए कोई डोमेन नेम सर्च कर सकते हो, लाइक गेम्स, ठीक है। तो काफ़ी महंगे महंगे यहाँ पर डोमेन नेम आपको देखने को मिलते हैं, सस्ते में भी मिलते हैं, पर आप अपने नाम के अनुसार डोमेन नेम ले सकते हो। आपको न्यूज़ की वेबसाइट बनाना है, आपको किस तरह की वेबसाइट क्रिएट करना है, उसके अनुसार आप अपने दिमाग को लगाओ कि आपका डोमेन नेम क्या होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैं तो आपको हर चीज़ पर एडसेंस का अप्रूवल दिला दूंगा, बस आपके पास .com वाली एक डोमेन होनी चाहिए या .in वाली भी होगी तो भी चलेगी।
पर आप लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए कि अगर आपके पास होस्टिंग नहीं है, ठीक है, आपके पास डोमेन नेम नहीं है, तो आप गूगल एडसेंस से इतनी जल्दी इनकम अर्न नहीं कर सकते जितनी जल्दी दूसरे यूट्यूबर तुम्हें बेवकूफ़ बनाकर दिखाते हैं, ठीक है, नहीं कर पाओगे। वो ब्लॉगर के ज़रिए तो बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। तो जैसे कि मैंने तुम्हें कहा कि तुम्हारा जो गूगल इसका होस्टिंग इंजन का जो पैक बैठता है एक साल का, वो तुम्हें 3000 के आसपास पड़ जाता है, लगभग 3500 के आसपास मान लो एक साल का। और इसी एक साल में हम अपनी वेबसाइट भी बना लेते हैं, वेबसाइट पर कॉन्टेंट भी डाल देते हैं और वेबसाइट को रैंक भी कर लेते हैं, क्योंकि होस्टिंग पर हमें एडवांस फंक्शंस मिल जाते हैं, ठीक है। हम अपनी वेबसाइट को अपने हिसाब से रैंक कर सकते हैं, अपनी कीवर्ड्स पे रैंक कर सकते हैं, वो बाकी चीज़ें तुम ब्लॉगर्स पे नहीं कर सकते, ठीक है। उसको रैंक करने में भी तुम्हें काफ़ी समय लग जाएगा। तो जल्दी रैंक करने के लिए और जल्दी गूगल एडसेंस का अप्रूवल के लिए हम एक साल की डोमेन परचेस कर लेनी चाहिए, क्योंकि बिना डोमेन के और बिना होस्टिंग के तुम लोग गूगल एडसेंस से पैसा नहीं कमा पाओगे, क्योंकि गूगल एडसेंस तुम्हें जल्दी से अप्रूवल देगा नहीं, क्योंकि तुम्हारी वेबसाइट रैंक नहीं होगी, और जब तुम्हारी वेबसाइट रैंक नहीं होगी तो तुम लोग कहाँ से गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले पाओगे। तो इसलिए 3000 रुपये तुम्हें अपने ऊपर इन्वेस्ट करना ही होगा, और उसके बाद जब तुम ये इन्वेस्ट कर लो और डोमेन नेम और होस्टिंग परचेस कर लो, तो मेरे पास आके मेरी कमेंट में लिखो कि भाई हमें गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने के स्टेप 2 सिखाओ, ठीक है। मैं थोड़ा टफ बंदा हूँ भाई, ठीक है, मेरी बातें कड़वी लगेंगी, मैं साफ बता देता हूँ, मैं मक्खन नहीं लगा रहा तुम्हें यहाँ पे, मेरी बातें कड़वी लगेंगी, लगनी भी चाहिए, ठीक है। बहुत से लोग ये सोचेंगे कि भाई बंदे में किस बात का ईगो है, भाई मेरे काम का ईगो है, ठीक है, मेरे स्किल्स का ईगो है, मेरा ईगो है क्योंकि मैंने ये खुद कमाया है, ठीक, मैं जानता हूँ कि काम कैसे किया जाता है, और वही चीज़ तुम्हें अगर सीखनी है तो तुम्हें भी ये ईगो अपने अंदर लाना पड़ेगा। काम का जुनून अगर ईगो कहलाता है तो हाँ, हम में ईगो है, ठीक है। तो अगर तुम्हारे अंदर काम का जुनून है, अब तुम सीखना चाहते हो, इनकम करना चाहते हो, जिस उम्र में तुम रील्स चलाते हो उस उम्र में तुम पैसा कमाओ ना दोस्त, ठीक है। रील्स तो तुम्हारे पास चलाने को पूरी ज़िंदगी पड़ी है। यहाँ पर तुम देख सकते हो कि 50,000 व्यूज़ पर गूगल एडसेंस कितना पे करता है, ठीक है, यहाँ पर देखो $6,000 से ऊपर का पे करता है तुम्हें गूगल एडसेंस, और यही इनकम मैंने तुम्हें अपनी दिखाई है। मेरी जो CPC रहती है ना, वो स्किल्स तुमने देखी है CPC मेरी, वीडियो को दोबारा से देखना, मेरी जो CPC रहती है ना वो $23 से ऊपर की रहती है। ट्रैफिक लाने का तरीका क्या है अपनी वेबसाइट में, मैं ग्लोबली वर्ल्ड का ट्रैफिक लेके आता हूँ अपनी वेबसाइट्स पर वेबसाइट्स को मैंने हिडन किया हुआ है, और ये वीडियो जब मैंने पब्लिश की है तो मैंने अपना गूगल एडसेंस का ऊपर का पब्लिशर ID भी हिडन किया है, जिससे कि मेरे अकाउंट पे कोई रिस्क ना आए, क्योंकि उसे हम शो नहीं कर सकते। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। कमेंट करना मत भूलना कि आप लोगों ने होस्टिंग परचेस कर ली है, अब नेक्स्ट स्टेप सिखाओ, तभी मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आप लोगों के लिए हाजिर हो जाऊँगा। तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और जितना शेयर करोगे, जितने ज़्यादा लोगों से मुझे जोड़ोगे, उतना ज़्यादा ही तुम्हारे लिए प्रॉफिट है, क्योंकि मेरा काम का जुनून जब ही बढ़ता है जब लोग मेरे पास होंगे वो चीज़ सीखने के लिए।